नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। सो आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है आपका 17 फरवरी से रीओपन हो गया, और रीओपन होने के साथ ही जो मुद्दे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में वो गर्मा चुके हैं। खास तौर पे हम एग्ज़ाम्स को लेकर बात करें, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने सभी स्टूडेंट्स को ये सूचित कर दिया है नोटिफिकेशन जारी करके कि इस साल सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे जो है उनका OBE एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे छात्र जो है, खासतौर पे फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने डिमांड्स रख रहे हैं कि उनके OBE एग्ज़ाम जो है वो मई जून में कंडक्ट करवाए जाए। यहाँ पर हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी मुख्य रूप से क्या डिमांड्स हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी सर, मेरा नाम शाकिर गुलजार हूँ, मैं फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ सर। क्योंकि हमारा 80% सिलेबस ऑनलाइन मोड से ही कवर हो चुका था, तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे ऑलमोस्ट इंटरनेट की मतलब वो सस्पेंड ही रहता है, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस वैसे अटेंड नहीं कर सका जैसे, क्योंकि मेरा ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स चल रहा है, तो मतलब ठीक से समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बोर्ड कभी क्लियर से नहीं दिखा रहा है और आईडियो की वो आईडियो मैम कभी या सर कभी ऑडिबल नहीं रहते थे वहाँ पे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा है। तो अब यहाँ पे थोड़े अडाप्टेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मतलब देखिए, दिल्ली आपने ऑनलाइन क्लासेस तो ली होंगी ना, तो आपको वो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम से क्या प्रॉब्लम है? ऑफलाइन क्योंकि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड क्लियर नहीं थे, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए थे, तो इसलिए हम OBE चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी तक कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय? दिल्ली विश्वविद्यालय, हाँ। कौन से सेमेस्टर? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही मैंने ग्रेजुएशन की है, सारे मैंने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम ऑफलाइन में दिए थे, तब ने ऑफलाइन में पढ़ाई दी थी और ऑफलाइन में हुए थे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए थे। आई गॉट 9 CGPA। तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, हम पढ़ाई करना चाहते हैं, पर ये जो खोला गया अचानक से, इसके इफेक्ट हम पे बहुत पड़े हैं, हमारा सिलेबस भी काफ़ी हो चुका है। साथ साथ देखें आप, अगर मार्च में हमारी क्लास, मतलब आपको टीचर 80-90% सिलेबस हमारा ऑनलाइन कंप्लीट कर दिया गया है। तो ऑनलाइन कंप्लीट हुआ, तो मतलब ऑनलाइन आपने पढ़ा तो होगा खुद से? नहीं, हमने खुद से पढ़ा, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। टीचर्स का इंटरेक्शन भी उतना नहीं हो पाता है, कहीं कहीं पर हमें रिसर्च स्कॉलर मिल जाते हैं पढ़ाने के लिए, वो आके पढ़ा रहे हैं, वो क्लासेस ले रहे हैं। कौन से कॉलेज से? मैं हंसराज से हूँ। हंसराज से, आप क्या बोल रहे? सर देखिए, जब ऑफलाइन क्लासेस, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने अटेंड नहीं की है, मैंने भी कुछ डेज अटेंड की हैं, और वहाँ पे इशू ये आ रहा है कि टीचर मास्क लगाता है, हम लोग बैठते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है कि क्या कैसे मतलब पढ़ाया जा रहा है, माइक का बंदोबस्त नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाया तो एक्सपेक्ट कि हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही लिए जाएँ, एटलीस्ट OBE मोड पे लिए जाए, अगर वो ऑनलाइन प्रॉपर नहीं ले पा रहे तो OBE मोड पे लें, बट उसको ऑफलाइन कर देना इज़ नॉट फेयर विद अस। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मार्च में हमारी क्लास 5 दिन हुई है, और बच्चे आएंगे तो स्टार्टिंग से आएंगे फेब क्लास से, है ना, और अभी हमारी मार्च में क्लासेस 5-6 दिन हुए, एक बी की हुई है, ठीक है, और फेब में हमारी क्लास 2 या 3 दिन हुए थे, तो ओवरऑल देखो हमारी क्लास 10 दिन हुई है, और 2 या 3 महीने का रेंट हमारे देना पड़ेगा। हमने तो सोचा मार्च का रेंट दिया है, अप्रैल का पूरा रेंट देंगे, मई में एग्जाम के पहले रूपनगर से कम कहीं नहीं है 15 के नीचे। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या आपकी मुँह? हम इनसे चाहते हैं कि ये जल्दी से डिसीजन दें, ताकि हम, अगर हमें जाना है तो हम चले जाएं, अभी भी हमारा ये है कि 1-2 महीने का कुछ तो बच जाएगा पैसे। मतलब आप कैंपस को दोबारा से क्लोज करने की मांग कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, क्लोज मत करिए आप, लेकिन जिनका अभी सेमेस्टर है उनका ये वाला सेमेस्टर एटलीस्ट आप उसको हाइब्रिड उसको आप ऑफलाइन ऑनलाइन करवा दीजिए, बाकी आप नेक्स्ट सेमेस्टर से प्रॉपर स्टडीज कंटिन्यू करवाइए। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा तबका है जो यूनिवर्सिटी को रीओपन भी रखना चाहता है, पॉलिटिकल रीजंस है, उनके पॉलिटिकल रीजंस है, अटेंडेंस भी 50% से ज्यादा है, वो आ भी नहीं रहे, उनसे बात करिए, वो ABB वाले जो भी है उनसे कहिए कि वो उनसे आप खुद बात करिए, उनसे पूछिए कि आप कितनी क्लासेस ले रहे हैं, आपने खुलवा दिया है फालतू एक्टिविटीज करके, जो पेट्रोल एंड ऑल वाला इंसिडेंट हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, स्टूडेंट्स हैं हम, तो उनसे पूछिए आप कि वो कर क्या रहे हैं। मेन चीज ये है कि जो हमारा 80% सिलेबस है वो ऑनलाइन में ही हुआ है सब। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, वहाँ पे हमारा जो इंटरनेट है उसकी जो लेवल है वो उतनी नहीं है दिल्ली के मुकाबले, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। एक तो नए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होना पड़ता है, और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो सेहत है उस पर भी असर पड़ा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हर किसी स्टूडेंट की, हर किसी छात्र की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, तो DU को सुनना होगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी आप लोगों को स्टार्टिंग ये जनवरी से खोल देते, आप जनवरी से हमारा सेमेस्टर खोल देते, पूरा सेमेस्टर ऑफलाइन लेते, हम दे देते ऑफलाइन एग्जाम, आपने आधा ऑनलाइन करवा दिया, अभी और एक्सपेक्टिंग कि हम आधा पेपर जो हमने आधा ऑनलाइन पढ़ा है, आपको खुद ही पता है कि बच्चे, हम लोग मास्टर्स के हैं, हम अपनी अपनी लाइंस में लग चुके हैं, हमें क्या करना है फ्यूचर में, हम उसमें भी लग चुके हैं, हमने वो स्टडीज भी स्टार्ट कर दी हैं, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग स्विच ओवर,
आप स्विच कर जाइए और अब आप कोर्स का पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, इतना इजी नहीं है ना। मास्टर यूनियन कह रही है कि हमने सबकी सुनी है, जबकि ऐसी बात नहीं है। यूनियन के जो मेंबर्स थे उन्होंने केवल ग्रेजुएशन के बच्चों के फर्स्ट ईयर के सीआर से बात सुनी है, हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी गई है कि हमारे सीआर से कोई बात किया गया। यहाँ तक कि जो उनके कुछ नेता यहाँ आए भी थे अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन लोगों की बातों से भी हमने यही सुना कि उन्होंने हमारी तो कोई हमारा कोई कंसल्टेशन लिया ही नहीं है। उन्होंने केवल केवल ग्रेजुएशन के बच्चों का सुना, जो कि अगर हमारा कंसल्ट लिया गया होता तो ये हम ये नहीं कर रहे होते ना। हमें ये करना 20% सिलेबस बचा है जो कि अब ये ऑफलाइन में कंप्लीट कराएंगे, तो वो ये कोई बात ही नहीं बनती 80%। अच्छा, अभी आप लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई आया आपसे बात करने, किसी ने कोशिश आया? हम लोग यहाँ पे कितने 12 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं और अभी 140 हो रहा है और प्रोटेस्ट का सेकंड डे है। प्रोटेस्ट का सेकंड डे है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया आप लोगों से बात करने? आपकी आवाज सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही? ऑब्वियसली नहीं सुनी जा रही है, किसी को आना चाहिए था। जब वही होगा कि कोई पेट्रोल छिड़ककर सुसाइड करने का अटेम्प्ट करेगा, हम भी उनकी जैसी वही सब एक्टिविटीज करेंगे, शायद तब सुना जाएगा। कहेंगे नहीं, हम जब तक वीसी साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे हम इधर से नहीं जाएंगे। हमारी यूनियन हमारी है ही नहीं, क्योंकि हम उनको अगर कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ अपनी रिक्वेस्ट भेज, कोई अपना प्रॉब्लम बताते हैं, कुछ भी इशू बताते हैं, वो उस पर रिप्लाई नहीं देते हैं, तो हम कैसे मान लें कि उन्होंने हमारे लिए ही ये काम किया है। अभी आप लोग कंटिन्यू करेंगे इस प्रोटेस्ट को अगर कोई बात करने नहीं आता है? बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, ये प्रोटेस्ट चलने वाला है जब तक हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो जैसे कि आपने देखा छात्रों की ये कुछ डिमांड्स हैं कि उनका सिलेबस 80% जो है वो ऑनलाइन मोड पे कंप्लीट करवा दिया गया है, तो ऑफलाइन एग्जाम्स क्यों? तो इनकी मुख्य रूप से यही डिमांड है कि जो फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी ओबी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाए, और अभी प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही कोई जवाब आता है तो मैं वीडियो बना के आप सभी को बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।